प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में हिमाचल का चुनाव लड़ा जाएगा। जब ये घोषणा हुई तब से भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश दुगना होता जा रहा है और भाजयुमो सोलन जिला अध्यक्ष भरत सैनी ने सोलन में हुंकार भरते हुए अपने कार्यकर्ताओं के साथ कहा कि अब वे पूरी ताकत के साथ हिमाचल में लड़े और अब हिमाचल में भाजपा की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता एड़ी चोटी का जोर लगाकर एक बार फिर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा का नेतृत्व घोषित न होने की वजह से पहले कार्यकर्ता थोड़े हताश थे, लेकिन अब अमित शाह की घोषणा के बाद उनके हौसले बुलंद हैं। उन्होंने कहा कि अब भाजपा अपना दूल्हा ले आई है और अब आज से कांग्रेस के पास कहने का कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता भी उन्हें इसी तरह से जवाब देने वाली है। वे निश्चित तौर पर प्रेम कुमार धूमल को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। राजगढ़ में जो रैली हुई अमित शाह जी ने उसमें डिक्लेयर किया कि माननीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी आने वाले चीफ मिनिस्टर की कैबिनेट में होंगे, तो उसके बाद युवाओं में काफी जोश है और जो हमने मिशन रखा था 50+ का, अब हम उसको चाहेंगे कि 55+ या 60+ जाए। जो कांग्रेस पार्टी के जो लीडर जो इस तरह की बात कर रहे थे, ये तो निश्चित था कि प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी को ही मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। वो तो सिर्फ इतना था कि कार्ड जो है उनका निमंत्रण कार्ड जो था कांग्रेसियों को पहुंचा नहीं था, तो वो भूले भटके कहीं इस तरह की बातें कर रहे थे। आदरणीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी आने वाले इस हिमाचल प्रांत के मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर बनेंगे और हम 60 की 60 सीटें जीतेंगे। तो भाजपा यानी कि दूल्हा ले ही आई, हमारा दूल्हा पहले से तय था। वो तो कांग्रेस को थोड़ा सा इसमें टेंशन थी कि अगर धूमल जी कहीं घोषणा हो गई तो ये जो एक दो सीटें जीत भी रहे थे उससे भी जाएंगे, और निश्चित है जो एक दो सीटें ये जीत रहे थे उससे भी गए। कांग्रेस की हालत ये है, कांग्रेस को कोई भी उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा। आज हमने अपना नेतृत्व दूल्हा हमने डिक्लेयर कर दिया है। उन्होंने पिछले 5 साल में कुछ किया ही नहीं, दिल्ली में कोर्ट में पेशियां भुगते रहे, जमानत में बिजी रहे और हिमाचल की जनता पिसती रही। अब 9 नवंबर को जनता बड़े जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने वाली है और अगले मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल होंगे, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है।